जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको हुरपरी की साधना बताएंगे। ये आजमाई हुई साधना है, इसलिए आप इसको मजाक में ना लें। आप तंत्र में कुछ ज्ञाता हैं तो इस साधना को ज़रूर आजमाएं। अगर आप नए साधक हैं या आपको किसी बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है तो आप ऐसी साधनाओं को ना करें। और हो सकता है आपने कर दी तो उस समय कुछ नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद में आपके घर पर आप ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो आप इसको अगर कुछ तंत्र में ज्ञाता हैं या आपके कोई सुरक्षा हैं, जो कुछ भी है आप मतलब इससे संबंधित तंत्र से संबंधित जानते हैं सुरक्षा के साथ में, तो ही आप इस साधना को कीजिएगा। आपसे निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सगे संबंधी या दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो एक एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं हुरपरी की। हुरपरी की साधना आपको किसी भी एक अच्छे स्थान पर करने की ज़रूरत होती है। कोई बगीचा हो, हरा भरा खेत हो, कोई पहाड़ी पर्वत नदी का ऐसा संगम हो, नदियों का बसेरा हो, नदी के आसपास में ऐसा आपका कोई बसेरा है वहाँ पर आप कीजिएगा, या हरा भरा क्षेत्र लीजिएगा, पानी के झरने वगैरह हैं, ऐसी कोई अच्छी जगह लीजिएगा जहाँ पर कोई हरे भरे पौधे वगैरह होते हैं, तो ऐसी जगहों में कीजिएगा बेहतर रहेगा। अगर वो जगह नहीं मिलती है तो फिर आप अपने घर की छत पर है कोई एक दो पौधे हैं, कोई गमले वगैरह रख दीजिएगा वहाँ पर कीजिएगा, या आप कमरे में करते हैं तो भी कर लीजिएगा। साधनाओं का फर्क ये होता है कि कुछ विशेष जगहों में करते हैं तो वो जल्दी सिद्ध होती हैं, और घरों में करते हैं तो उसमें समय लगता है। विशेषकर ऐसी साधनाओं में इत्र का प्रयोग अनिवार्य है, तो आप इत्र अपने ऊपर आसपास के एरिए में जहाँ भी आप साधना कर रहे हैं वहाँ पे सिड़के गुलाब के फूल है तो उनकी पंखुड़ियाँ वगैरह आसपास में सब जगह बिखेर दीजिएगा। मिष्ठान है तो अपने आसपास जहाँ आप बैठते हैं, आप घेरा लगाते हैं, सुरक्षा करते हैं, वहाँ आसपास में अपने सब जगह मिष्ठान का जो आप बैठते हैं चारों तरफ भोग लगाइएगा। और अगर आप कोई दिया वगैरह जलाते हैं तो मिट्टी के दिए हैं उसमें कोई चमेली का तेल लगा दीजिएगा, और अपनी चारों कोनों में चार दिए जलाइएगा, अगर चार ना जलाए तो एक फिर जला लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से कीजिएगा। इसका मंत्र आपको बता देते हैं, ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है, सुरक्षा के साथ में ये छोटा सा प्रोसेस है, इसके साथ में कीजिएगा। मिष्ठान का भोग है, दिए जलाने हैं, गुलाब है, इत्र है, जो कुछ भी है, और कपड़े वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए, विशेषकर वाइट कपड़े आप जरूर अच्छे वाले साफ सुथरा पहने और साफ सुथरा होकर ही साधना करें। अगर नहीं है वाइट तो दूसरे भी हो गए तो चलेगा, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। और इनका जो जप है वो रोज़ाना आप कम से कम, ये साधना है आपको, आपके ऊपर वैसे डिपेंड करता है कि आप मन क्या लगाते हैं, एक दिन में सिद्ध होती है या तीन दिन में, 3 से 7 दिन की इस साधना में फुल मतलब एक्सपीरियंस है। 3 से 7 दिन के अंदर ये शक्ति हैं वो आपके सामने आएगी, या आपसे मतलब निंद्रा में भी बात कर सकती है, ये आप सुन लीजिएगा। इसका मंत्र सुन लीजिएगा, या बदिल उल जिहाल हुल परी हाजिर। दोबारा सुनिएगा, या बदिल उल जिहाल हुर परी हाजिर। इस प्रकार से इसका जप करना है। जप में आप माला कोई भी वाइट मोतियों की हैं, वाइट हकीक हैं, काला हकीक हैं, स्फटिक की हैं, ऐसी आप माला लीजिएगा बेहतर रहेगा। हकीक की आप कोई भी कलर होगा तो चलेगा, वाइट मिलता है तो बेहतर है, नहीं तो कोई भी चलेगा, हकीक की है तो सबसे बेहतर है। दूसरी आप कोई भी ना ले, रुद्राक्ष तो बिल्कुल भी इसमें आप काम में मत लीजिएगा, रुद्राक्ष मत लीजिएगा इसमें काम। ठीक है, इसमें हकीक लीजिएगा या कोई भी दूसरी मोतियों की माला वगैरह लीजिएगा। तो ये एक शब्द छोटा सा मंत्र था, आपको बता दिया। आप इसको कीजिएगा 100% गारंटी के तौर पर 3 से 7 दिन के अंदर आपका ये कार्य हो जाएगा। आपको समय इसमें देना है तो समय आपको 10-15 मिनट में कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपकी कोई तीसरा नेत्र खुला है तो आपको जल्दी मिल जाए, लेकिन समय आपको देना है 1.5-2 घंटे हर साधना में देना पड़ता है। उस हिसाब से आप जप कीजिएगा, गिनती मालाओं की मत कीजिएगा, बेहतर रहेगा।
ठीक है, ये आपको बता दिया, आप इसको करके देखिएगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, करना तो पड़ेगा, करेंगे तो ही सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जय श्री माँ काला, जय श्री माँ काला आप सभी का हमारे